का पहला सम्मेलन 12 मार्च को चीन और कोरोना पर भारत अन्य 3 सदस्यों से करेगा बात। कांग्रेस ने की सेशन एक दिन बढ़ाने की मांग, कहा जल्द से जल्द हो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ते की रुकी हुई 3 किस्तों का जल्द होगा भुगतान। उत्तराखंड में हुआ उलटफेर, त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे के बाद बढ़ गई कांग्रेस नेताओं की चिंता। 24 घंटे दुकानें खोलने को तैयार नहीं व्यापार मंडल, कहा सरकार ने व्यापारियों के हाथ पकड़ाया झुंझुना। 1 महीने बाद ही यूपी में फिर 150 के पार हुए कोरोना पॉजिटिव, 2 संक्रमितों की हुई मौत। 690 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी के आरोप में हरियाणा के 2 लोग हुए गिरफ्तार। सत्ता के बावजूद एक और राज्य में कांग्रेस में दरार, हो सकता है कांग्रेस का बड़ा नुकसान। सीएम से मिले मोहन डेलकर के बेटे, पिता के उत्पीड़न की दी जानकारी। अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर कसेगा शिकंजा, यूपी के बिल्डरों पर कार्यवाही की तैयारी में योगी सरकार।